जय हिंद साथियों, पिछले 12 दिनों लगातार जो आमरण अनशन विकास जी जाखड़ के द्वारा जो करो जा रहे हो है, अभी जो देखा कि आह्वान करो गयो हो कि सब भाई ही जो कैंडल मार्च करेगा, पूरा प्रदेश भर में जो कैंडल मार्च का आयोजन करवाया जाएगा। आज झुंझुनू के जो शहीद स्मारक पर देखा, अभी सैकड़ों की संख्या में युवा ही जो जुड़ चुके हैं और अभी तैयारी जो चल रही है और कैंडल मार्च अभी जो निकालो जागो। बने रहो वीडियो लास्ट तक, देखो तो पूरी जानकारी जो बिकमान थाने मिल जाएगी। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि युवा हुंकार की जो शुरुआत विकास जी जाखड़ के द्वारा जयपुर आपके गाँव में लेके जी की शुरुआत करी गई है। आज 12वें दिन भी लगातार जारी है और अभी बने कंडीशन सीरियस होने की वजह है जो SMS है हॉस्पिटल जयपुर ही जो रेफर कर दिया गया है। जी आंदोलन की शुरुआत जयपुर हुई है। आज झुंझुनू में देखा कि युवा के द्वारा लगातार है जो तिरंगा रैली, तिरंगा यात्रा के रूप में और मशाल जुलूस जो निकालो जा रहे हो, ये टाइम आह्वान हो कि पूरा प्रदेश में करो जागो। लेकिन ये दृश्य जो सिर्फ झुंझुनू का भी दिखा रहा है सर, आज का जो आंदोलन है देखता है कि युवा को कतों के सहयोग है और ये आंदोलन देखता के बोलना चाहूंगा, पूरा युवा ही आक्रोशित है और जिस हिसाब से सरकार है, राजस्थान की सरकार है, युवाओं को दमन कर रही है। अगर आपकी मांग को युवा उठा रहे हैं तो वन अलोकतांत्रिक तरीके से वन दबाने को प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह से हठधर्मिता पे है। और जब जब देश का नौजवान, ये दुनिया का नौजवान जब जब सड़कों पे उतरे हैं तो परिवर्तन हो है, तो सरकार यह सोच ले कि हमारी ताकत है, बिन कम नहीं आके इको आने जो परिणाम आओगे तो सरकार के पास सिर्फ धोखो बच्चों और कुछ गुण बच्चों को। इसलिए मैं चाहवा जो भी घोटाला करे ही, जो भी लिप्त है, CBI से जांच हो और जांच के बाद जो दोषी ही मान सजा मिले और ये जो राजस्थान प्रदेश का नौजवान ही आगे साथ न्याय हो, यही मेरी मांग है। बिल्कुल सर, देखी जाए कि जटा तक काफी आंदोलन थे भी जुड़ा रहा, जब छात्र राजनीति की बात करी जाए तो बिकमान भी काफी आंदोलन कराया गया। आज देखो जाओ जो शुरुआत गाँव करी साल तो कर ले सर पा जाएंगे जो जी आंदोलन की शुरुआत गांव विकास जी के द्वारा करी गई है। आज बन SMS में बैठा हूँ जो शिफ्ट कर दिया गया है, इसके बाद में भी काफी युवा हैं जो आज सैकड़ों की संख्या में जुड़ रहे हैं, तो क्या बोलना चाहूंगा आंदोलन की दिशा की अगर बात करी जाए तो सरकार के जो भी प्रयोग है वह सारा प्रयोग सरकार कर रही है। विकास जी हो रहा है, लोग बाग मिल रहा, लोग जुड़ रहा, तो सरकार को यह है कि सरकार विकास जी से कोई मिले नहीं और मैं इसे दूर हो जाए, लोग जनता से नौजवानों से दूर हो जाए तो आंदोलन कमजोर हो जाए, यह सरकार की भूल है। क्योंकि जो दिल में राज करे, जो अच्छो काम करे देश को, कोई नौजवान कोई अच्छो काम करे तभी के साथ जनता अपना आप साथ हो जाएगी। विकास जी जो आपके शरीर में कष्ट देगी, जो यो काम करे नौजवानों की लड़ाई लड़ी, मैं बहुत आंदोलन करे, आंदोलन में बहुत निष्कर्ष निकाल के आंदोलन करा, क्योंकि जो मुद्दों जनहित को मुद्दा भी उठा और आज तक का हमारा 100% आंदोलन ही बस सफल हुआ है। और यो आंदोलन भी बहुत सोच समझ की झुंझुनू जिले का नौजवान सड़क पर उतरे है। 1 तारीख से में एक हस्ताक्षर अभियान जो 5 लाख नौजवान और जनता के हस्ताक्षर युक्त जो ज्ञापन है वो हम राज्यपाल के समक्ष भेजेंगे और फिर उसके बाद सरकार ये समझेगी कि ये परिणाम जो सरकार के सामने आएंगे निश्चित रूप से सरकार के पास। मैं बार बार कहता हूँ, नौजवानों के छेड़ने के बाद सिर्फ धोखा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, ये जो अपने साथ है राजेश जी बाबल जो लगातार छात्र राजनीति में जुड़ा रहा और फिलहाल है जो आपकी वाइफ ही अभी BJP है जो जिला परिषद सदस्य है झुंझुनू और जिला प्रमुख के रूप में एक बार फोरम भी करे हो तो बातचीत करी और लगातार यही चीज है कि आंदोलन की अगर शुरुआत हुई है तो आंदोलन है जो सफल रहेगा। आक्रोश रैली को जो आह्वान करे गए हो बिकमान युवा की बात के करा, युवा के साथ में जो काफी महिला भी हैं वह भी जुड़ रही, तब आप बातचीत करेंगा कठवा भी। जी हम लोग यही झुंझुनू से, मैं विकास जाखड़ की बहन, अच्छा महानगर से ही मैं भी जाखड़। बिल्कुल, तो विकास जी की बहन ही भी अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आज देखा कि विकास जी जयपुर शिफ्ट कर दिया गया तो क्या बोलना चाहोगे? बोलना ये चाहेंगे भाई तुम संघर्ष करो, सत्य हमेशा अकेला नहीं होता, आपके साथ लाखों करोड़ों युवाओं का साथ है, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। विकास जाखड़, विकास जाखड़, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। विकास जाखड़ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक माँ होने के नाते, एक माँ होने के नाते ठीक है बोलना चाहोगा सरकार ने कि युवा की जो जिस सरकार अपनी मनमानी कर रही है और भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है, बेचारे रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लाखों युवा वो पीछे रह गए हैं और जिन लोगों के पास राजनीति पहुंच है और जिनके पास पैसे हैं उन लोगों ने पैसे दे करके पेपर खरीद लिए हैं,
बिल्कुल उनकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उन सभी को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। युवाओं की जिंदगी के साथ, युवाओं की जिंदगी के साथ एक तरह का खिलवाड़ किया है, तो इस ऐसे खिलवाड़ आगे भविष्य में ना हो, इसलिए विकास जाखड़ ने ये जो पहल की है वो बहुत ही एक अच्छी पहल है। युवा सरपंच निशा जी ही आज अपने साथ जो अभी बातचीत करा मैम की तरीका है जो आंदोलन में जो आपको सहयोग करे। नमस्कार मैम। मैम मैं अभी जानना चाहूंगा कि की तरीका थे जो ये आंदोलन में आज सहयोग कर रहे हो। बिल्कुल, जैसे विकास भाई साहब इन छात्रों के लिए निकल लिए, ये भी मेरे जैसे भाई बहन है, कोई छोटा भाई है, कोई छोटी बहन है, उन सबके साथ नाइंसाफी जो हो रही है उसके खिलाफ अगर वो भाई साहब आवाज दे रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। आज जैसे हमने कैंडल मार्च निकाली है तो आज उनको ये बहाना देके कि वो उनकी तबीयत काफी खराब है और उनको जयपुर रेफर किया गया, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि एक सोची समझी साजिश है कि उनको यहाँ से ले जाएंगे तो उनके जो समर्थक है वो वहीं पे ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चाहे दुनिया के किसी कॉर्नर में हो, उनके समर्थक है, वो उनके साथ हैं और जैसे वो दिशा निर्देश देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे उनके साथ साथ। मैम सरकार एक चीज अभी मान रही है कि एसओजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी, मान यह चीज बताई जा रही है कि शिक्षा संकुल जयपुर है जो पेपर आउट हुए है, काफी जो लोग गिरफ्तार भी करे जा रहे हैं, तो फिर सरकार है जो पेपर रद्द क्यों कौन कर रही है? वो तो सरकार ये चाहती है ना कि बस अभी उसमें हमारा बहुत सारा पैसा लगना है, क्योंकि सरकार तो हमसे पैसे लेती है, बच्चों से फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, एग्जाम नहीं होते हैं दो दो ढाई ढाई साल, वो बच्चे उसका चलता रहता है, फिर दोबारा फॉर्म के लिए विज्ञप्ति निकाल दी जाती है कि दोबारा फॉर्म भरिए, उसमें ना तो सीटें बढ़ाई जाती है, बस बच्चों को ये है उनसे जो पैसा आता है ना उसको ऐंठते रहो। तो हमारी सरकार के बारे में कहना बेवकूफी होगी, क्योंकि सरकार चाहे सेंटर की हो या राज्य की हो सब बराबर होती है। जी अभी देखा कि लगातार है जो युवा मेहनत करके अगर एग्जाम दे के आए हुए और आज भी नहीं यह सूचना मिल रही है कि तरीकों पेपर आउट हुए हैं, तो भी प्री टाइम के भीतरी होगी। बिल्कुल, वो मतलब फिर उसका विश्वास उठ जाता है इन चीजों से कि हाँ एक गरीब घर का बच्चा है, चलो ठीक है जिसके मम्मी पापा जॉब वाले हैं वो फिर भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन एक किसान का बच्चा है वो कहाँ से पैसे लाएगा। यहाँ तक ये भी होता है कि अगर उसने क्वालिफाई भी कर लिया तो उसके बाद भी उसके पास फोन आते हैं कि भाई तेरे को लगवाना है तो मैं इतने पैसे जमा करवा दे मैं लगवा दूंगा। ये चीजें मैंने खुद फोकस की है और देखा मेरे सामने आ रही है। कोई भी अगर वैकेंसी निकले तो भी पहली परीक्षा की तैयारी करवाना ज्यादा है कि दलाल मिले। हाँ दलाल मिल जाते हैं कि 10 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, आपको डायरेक्ट ही लगवा देंगे, एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब अफसोस की बात है, फिर बच्चा पढ़ेगा कहाँ पे।